बैक टू माय चैनल, आई एम गायत्री और आज है बुधवार। सो ये सारा मैंने तैयार किया है और ये वाली वॉल पे अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़े बहुत बलून्स लगाए हैं अभी और दूसरे सारे नीचे पड़े हैं जो मैं अभी लगाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कल की मतलब इसी चीज़ में लगी है, तो जी हाँ। और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि कल रात को थोड़ा सा सेलिब्रेशन जैसा किया था तो वो 3 बजे तक चला था, सो लेट सोई, इसकी वजह से लेट उठी और सुबह क्लास थी। सो ये सब कुछ हो चुका है और अभी बजे है शाम के 6:30 और मैंने ये सारी तो प्रिपरेशन कर ही दी है, पर अभी दीदी के फ्रेंड्स थोड़ी बहुत छोटी सी बाहर पार्टी वगैरह होगी सो उसमें हम जाएंगे। सो आप कमेंट्स में बताओ कि ये कैसा लग रहा है। आई नो कि ये ऑरेंज के साथ ये जम नहीं रहा, पर क्या करें, अभी यही हो सकता है मेरे से। मुझे ज़्यादा ये शृंगार वृंगार नहीं आता, सो मेरे से जितना हो सका मैंने उतना किया और अभी यही सीन है, तो आगे आगे देखो होता है क्या। खुश हो जाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उनके चेहरे पे मैक्सिमम मैं स्माइल ला सकूँ, पर मुझे मेरा बर्थडे अच्छा नहीं लगता। ऐसा मुझे बचपन से है, पता नहीं क्यों, पर मुझे खुद का बर्थडे अच्छा नहीं लगता सेलिब्रेट करना वगैरह कुछ भी। सो मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज भी ये कहते हैं कि दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूँढो, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन, ऐसा वो कहते हैं। सो ऑन दैट नोट, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू और ये मेरी शुभकामना है कि आप भी अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों से कुछ सीखें और उनकी छोटी छोटी खुशियों में आप भी खुश रहे। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। तो अभी सीखने सिखाने की थोड़ी बात चल रही है, सो मैं आपको एक करंट लाइफ अपडेट देना चाहती हूँ कि इस साल ना मैं बहुत ही ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मुझे हर मायने में कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं कि अपने दुख दर्द पीड़ा को कैसे रिलीज करो या किसी से शेयर करके कम करो। सो उन सबको भी थैंक यू। और शायद बहुतों को तो नहीं पता कि मैं उनसे कुछ सीख रही हूँ वो मतलब आपके ना आसपास ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, अगर आपको कुछ उनसे सीखना है तो। हाँ, उसमें 100 बुराइयाँ होंगी, आई नो कोई परफेक्ट नहीं होता, पर तुम उससे 2-3 अच्छी चीज़ें तो ले ही सकते हो। सो दिस इज़ बिग गुज्जू ब्रेन जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढता है। एंड ऑन दैट नोट, उन सबको थैंक यू कि मुझे इस साल कुछ ना कुछ सिखाया, कहीं बार अच्छे तरीक़ों से और कहीं बार मतलब अजीब तरीक़ों से भी, पर सिखाया, उनके लिए शुक्रिया। अगर आप तो ये ब्लॉग देख रहे हो ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो लोग शायद समझ जाएंगे। सो अभी मैंने ये एक रोज़ बनाया है इसमें से, सो मैंने सोचा कि मैं आपको भी सिखाऊं कि कैसे बनता है। तो क्या करना है आपको, ये मेरे एक दोस्त ने सिखाया था। सो देखो, पहले आपको ये जो रिबन होता है उसको इस तरह से कर देना है ऐसा, ओके।
आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब करो प्लीज़। और अगर आप अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मैं मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में। बाय।